अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक बुक विद एमन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। ऑयल लेंगे 1/2 कप। ऑयल जब गर्म हो जाएगा देन इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 kg चिकन और इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चिकन ने कलर चेंज कर लिया है और जो इसने अपना पानी रिलीज किया था वो भी ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट 4 tablespoon। योगर्ट को पहले आप बीट कर लीजिएगा देन इसमें ऐड करिएगा। अब इसको हम भूनेंगे चिकन के साथ और फ्लेम अभी भी हमने हाई ही रखना है। तो देखिए दही के साथ चिकन बहुत अच्छे से भून गई है, इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो गया और ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटोज। ये मैंने 3 large टमाटर लिए थे और इसकी जो स्किन थी उसको पहले रिमूव कर लिया था। अगर आपके टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों तो आप इसको चॉप करके डायरेक्ट इसके अंदर डाल दें और जब टमाटर हमारे कुक हो जाएं देन उसकी स्किन को रिमूव कर लें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे 3-4, सॉल्ट 1 teaspoon, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा और इसको मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 9-10 मिनट्स के लिए और जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। 10 मिनट्स हो गए, अब इसको ओपन कर लेंगे। तो देखें टमाटर ने अपना पानी रिलीज कर दिया है और ये सॉफ्ट भी हो गए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर 1 tablespoon, इसको मैंने हाथ से चॉप कर लिया था। गार्लिक 2 tablespoon, अब इसको मिक्स कर लेंगे देन हम इसको भूनेंगे। और जो टमाटर है हम उसको साथ साथ प्रेस करते रहेंगे। वैसे तो ये सॉफ्ट हो गए हैं बट फिर भी हम इसे जो थोड़े बहुत हैं उसको प्रेस करते रहेंगे ताकि पूरे मैश हो जाएं। फ्लेम अभी भी हाई ही रखना है, हमने लो नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 tablespoon, कोरिएंडर पाउडर रोस्ट एंड क्रश 1 teaspoon, क्यूमिन पाउडर रोस्ट एंड क्रश 1.5 teaspoon, रेड चिली पाउडर एंड रेड चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, चाट मसाला 1 teaspoon, पेपरिका पाउडर 1 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon एंड टर्मरिक पाउडर 1 pinch। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको भूनेंगे। एक एक चीज़ डाल के भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डाल के इसको बस चढ़ा देंगे तो इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो टेस्ट आएगा। रेस्टोरेंट वाले भी बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाते हैं, एक एक चीज़ डाल के उसको भूनते हैं ज़्यादा, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कोई भी सालन हो अगर आप उसको एक एक चीज़ डाल के उसको जितना ज़्यादा भूनेंगे उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। तो भूनते भूनते साथ ही हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे 2-3, देन अगेन हम इसको भूनेंगे। देखिए जब इसका ऑयल जो है वो ऊपर आने लगे तो इस पॉइंट के ऊपर हम 4 tablespoon योगर्ट और ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
अब फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कसूरी मेथी, कोरिएंडर लीव्स हैंडफुल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके कुक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे 2 to 3 मिनट्स के लिए। 3 मिनट्स हो गए तो अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखें कढ़ाई रेडी है, अब इसको सर्व करते हैं। गार्निश कीजिए कोरिएंडर लीव्स एंड जिंजर से, गरम नान के साथ सर्व कीजिए। एंड आई नो कि आपके मुंह में इस वक्त पानी आ रहा है, तो जाइए अभी और बनाइए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।